हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है वन प्लस सेवन प्रो के बारे में। तो दोस्तों जैसे वन प्लस ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है वन प्लस सेवन प्रो, तो दोस्तों वो बेसिकली एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जैसे कि फ्लैगशिप किलर सेगमेंट का फ़ोन है। तो दोस्तों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है जैसे कि 90 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रेम रेट है, जो स्क्रीन रिफ्रेशनर है। तो दोस्तों जो स्क्रीन रिफ्रेशनर है वो बहुत ही बड़ी बात आ जाती है स्मार्टफोन में, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन में अगर आप देखें तो इतनी रिफ्रेश रेट किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलती। बेसिकली जो गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक इस टाइप के स्मार्टफोन के बारे में आपको इतनी भी रिफ्रेश रेट देखना बहुत ही मतलब कि अजीब बात हो जाती है और काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के स्मार्टफोन में अगर इतनी फ्रेम रेट आने लगी तो बाकी स्मार्टफोन में भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, और बाकी स्मार्टफोन भी अब इस टाइप के फ्रेम रेट के साथ काम करना चाहते हैं जैसे कि 90 मेगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेशनर रेट है। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो 855 का सेगमेंट है जैसे कि स्नैपड्रैगन 855 इसमें है, तो दोस्तों ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसमें है तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और बहुत लेटेस्ट है। बेसिकली ये 5G के लिए बना हुआ प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी ये 4G स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी ये रखता है, तो इसके साथ आपको 4G जो वन प्लस देता है। और दोस्तों अगर आप बात करें जैसे कि कैमरा के बारे में, तो दोस्तों 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का आपको एक और कैमरा मिलता है जो कि आपको वाइड लेंस के रूप में देखने को मिलता है, और जो 8 लेंस का उसके साथ आपको टेलीफोटो देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे कैमराज है और सोनी का सेंसर लगा इन कैमराज में, तो काफ़ी यूनिक कैमरा है और काफ़ी अच्छे कैमरा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली भी ये स्मार्टफोन कैमरा काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, प्राइस। तो दोस्तों जो प्राइस है तो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन में चीज़ें अच्छी है इसलिए प्राइस थोड़ा सा हाई जस्टिफाइड है, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा प्राइस मतलब कि थोड़ा सा गिर जाता है, जैसे कि जो इनका हाईएस्ट जो 12 रैम वाला स्मार्टफोन है उसमें आपको 6000 के करीब प्राइस देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है ये हवा की वजह से, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जो प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ तो दोस्तों थोड़ा सा हाई प्राइस है। अगर ये प्राइस लगभग 55000 होता तो बेस्ट स्मार्टफोन माना जा सकता था। अभी भी मतलब कि प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही ऐसा डेंजर है कि कोई इस स्मार्टफोन को खरीदे नहीं, जैसे कि वन प्लस जैसे कि गूगल ने किया था। प्राइस अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अगर सस्ता होता तो कस्टमर ज़्यादा कोशिश करते कि इस टाइप के स्मार्टफोन को लेने की। दोस्तों इससे चैलेंज इनके ही मतलब कि जो वन प्लस 7T आएगा उसके प्राइस पे डिफरेंस पड़ सकता है। जो अभी तक इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे उसका प्राइस इन्होंने इतना मतलब कि सीरीज़ वाइज इतना ज़्यादा नहीं किया था, जैसे कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है। भले इसमें प्रोसेसर अच्छा हो लेकिन फिर भी अब चैलेंज इनको ही बजेगा कि ये जो वन प्लस 7T का प्राइस क्या रखना चाहेंगे। अगर इनका प्राइस अच्छा रहा तो कॉम्पिटिशन तो इनको आपस में ही मतलब कि अपने आप में मिल सकता है। तो जो वन प्लस 7T है उसमें क्या यूनिक देखने को मिलेगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। दोस्तों अगर हम बात करने वाले हैं अब जो रैम के, तो दोस्तों 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम का एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर प्राइस और इस स्मार्टफोन के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस स्मार्टफोन लगभग हर एक चीज़ फैसिलिटी अच्छी से प्रोवाइड करता है। अगर बात करें फास्ट चार्जर की तो दोस्तों फास्ट चार्जर की सपोर्ट इसमें है जो कि आपको 30 वाट्स का मिलता है, और दोस्तों काफ़ी जल्दी आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर लेगा, जैसे कि आपको लगभग 1 घंटा लग सकता है इस स्मार्टफोन चार्जिंग में चार्ज करने के लिए। और दोस्तों जो बैटरी है वो 4000 mAh है और काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में इस टाइप की बैटरी जो बैकअप है तो काफ़ी सही है, और अगर मतलब कि 5000 mAh होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। और दोस्तों अगर बात करें जाए जैसे कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले OLED है और OLED डिस्प्ले में इतना फ्रेम रेट देना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, मतलब कि रिफ्रेश रेट देना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हर दिन लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।